मियाँ साहब और हमारा अब वास्ता इंशाल्लाह सेकंड टू थर्ड जनरेशन तक चलना है। मेरे दिल ने कहा कि ज़रूरी है, और आने वाली हमारी नस्लें जो हैं वो इस रवायात को कायम रखें, ताकि हसन भाई मेरे बेटे की तरह हैं, उसको और आने वाले कल में बिलावल को, बख्तावर को, उनको पता हो कि हमारे ताल्लुकात किस तरह हैं और किस तरह रखने हैं। हमारी अपनी जो चैलेंजेस हैं आने वाले, उनकी नज़र में हमें साथ रहना है, और ये एक रवायात कायम कर देनी है जिसको कोई तोड़ ना सके। मैं इन्हीं अल्फाज से मोहतरम आसिफ ज़रदारी साहब का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो इस वक्त आपका किरदार है मोहतरम ज़रदारी साहब, और जो कुछ मुझ जैसे नाचीज़ का किरदार है, ये अल्हम्दुलिल्लाह दूसरों के लिए मशले राह होना चाहिए, हमारे कारकुनों के लिए मशले राह होना चाहिए। उनको भी पता लगना चाहिए कि भाई पाकिस्तान की सियासत का रुख अब इस तरफ है। अब ये खाम खा लड़ना, छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे के गिरेबान को पकड़ना, ये अब सब माजी की यादें रह जानी चाहिए। पाकिस्तान अब उस नहज पे पहुंच चुका है कि आज हमने एक साथ मिल के कंधा कंधे से मिला के एक दूसरे की मदद नहीं की तो कल शायद हम करना भी चाहें तो हम कर ना सकेंगे। सारे डिसीजंस पे वो सब हमें साथ लेके, साथ समझ के, साथ सोच के, और अंडर दी प्राइम मिनिस्टरशिप आपकी लीडरशिप हमने साथ चलना है। मुझे क़याम जद्दा का वो दिन कभी नहीं भूलेगा जब मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब, मुझे लंदन की भी वो मुलाकात कभी नहीं भूलेगी जब मैं मोहतरमा की तरफ से खाने की दावत पर गया। गर्म जोश इस्तकबाल ने मेरे दिल पर गहरा नक्श छोड़ा। मुझे गुलाब के उन फूलों की तरोताजगी और उनकी खुशबू आज भी महसूस हो रही है जो आपकी बेटियों ने मुझे पेश किए थे। हर गम खुशी में इंशाल्लाह हमेशा साथ रहेंगे, और हमने ये फैसला कर लिया है हर गम खुशी में इंशाल्लाह हमेशा साथ रहेंगे, और हमने ये फैसला कर लिया है।